हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हॉट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, जो कि बहुत ही मिसलेनियस है, आपके लिए मजेदार होंगे, वो क्वेश्चन सीखने मजा आएगा और आपको भी पढ़ने मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्या, दो अगर हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बटा वाई, मान ले हमने फ्रैक्शन क्या माना, एक्स बटा वाई। अब यहां पर क्या बोला कि हम न्यूमरेटर में दो ऐड करेंगे, तो यहां पर न्यूमरेटर कौन है, एक्स, और वाई क्या है, डिनोमिनेटर। तो हम x में अगर दो जोड़ते हैं और y तो y ही रहेगा, अगर ऐसा करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। लिख दें यहां पर, अगर ये है तो यहां पर से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा x और y के टर्म में। देखते जरा क्या आता है, 2x प्लस 4 बराबर y। हम लोगों ने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 2 से इंटू x, 2x और 2 जा 4 और y इंटू 1 y। ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी y के रिस्पेक्ट में हमारा एक वैल्यू आ गया 2x प्लस 4। अब चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, अगर हम एक घटाते हैं, अगर हम क्या करें, एक घटाए किस में से, डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में एक घटाते हैं, लेकिन किस में, एक घटाना है तो किस में घटाना है, डिनोमिनेटर में, तो यानी न्यूमरेटर एक्स ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाई माइनस 1। तब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1/3, तो 1/3 लिख दें। अब यहां से फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x लिख देना है, और वाई माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाई माइनस 1 ही होगा ना। यहां भी देखिए वाई के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आ सकते हैं, क्या आएगा, 3x और माइनस जो होगा इधर आके प्लस और वाई। ये हो गया इक्वेशन हमारा सेकंड। यहां भी y का वैल्यू है 2x प्लस 4, यहां y का वैल्यू 3x प्लस 1, क्या ये इक्वेट नहीं हो सकता है, दो जगह हमारा y के रिस्पेक्ट में वैल्यू है, तो यानी ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल। y के रिस्पेक्ट में ये एक वैल्यू और y के रिस्पेक्ट में ये एक वैल्यू, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट किया है, ठीक है। तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 लिख दें यहां पर। अब 4 है, 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस में आएगा, 3x है यहाँ पर, 2x को उधर लेके जाएंगे, तो कितना होगा, x, और यहाँ हो गया 3, यानी न्यूमरेटर हमारा क्या है, 3 है, न्यूमरेटर क्या है हमारा, 3 है। अब हमें डिनोमिनेटर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहला या दूसरा कहीं भी पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, पुटिंग इन वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लोगों ने क्या किया, पुट किया है, तो 2x प्लस 4 बराबर y था, हमने 2 इंटू 3 प्लस 4 किया, y आ गया यहाँ पर 3 × 2 = 6 प्लस 4 = 10, यानी y आ गया 10। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है y। यहाँ पर क्या बोल रहा था, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा क्या है, x बटा y है ना, तो x क्या है हमारा 3 और y क्या है 10, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है कि पहला एक इंसान है जो कुछ रुपए 10% एनम पर लगाया है, तो मान लेते हैं एक्स रुपया है, क्या मान लिया, एक्स रुपया जो 10% पर लगाया है, और फिर से एक अनदर अमाउंट जो है हम उसे मान लेते हैं वाई रुपया, क्या मान लेते हैं वाई रुपया, उस पर कितना लगा रहा है, 8%। ये क्या है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है। पहला जो रकम है, जो अमाउंट है एक्स रुपया, उस पर 10%, और जो दूसरा अमाउंट है उस पर वाई रुपया, उस पर 8% लगा रहा है। ऐसा करने पर उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, एसआई के रूप में कितना मिलता है, एसआई के रूप में उसे मिलता है 1350 रुपए, कितने मिलते हैं 1350। लेकिन आगे बोला क्या, अगर वो इंटरचेंज करता है अमाउंट को, क्या करता है इंटरचेंज, यानी कि अब 10% पे वाई रुपया लगाता और 8% पे लगाता एक्स रुपया, तब जाके उसे इंटरेस्ट कितना मिलता, 45 रुपया कम मिलता, यानी कितना मिलता, इसमें 45 रुपया घटा दीजिए, यानी कितना मिलता, 1305 रुपए मिलते, कितने मिलते, 1305। अब यही क्वेश्चन ऐसे हमको क्या करना है, बनाना है। तो पहले आप समझिए कि आप एसआई को लेकर क्या जानते हैं, एसआई इजिकल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पर टी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एनुअल है तो ऑलरेडी 1 ईयर का है, तो आप यहाँ पर 1 रखोगे ही रखोगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं उसमें दिखा दूंगा, टी का वैल्यू 1 ही लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है, जो आपका अमाउंट है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहला x रुपया लिए, फिर लिए y रुपया, फिर वहां पर क्या कर दिए, अब इस पे y रुपया रखे, इस पे x रुपया रखे, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट बदल गया। तो हम लोग जरा देखते हैं, देखिए पहला हमारा क्या है, प्रिंसिपल x रुपया है, तो x
और रेट कितना है 10%, तो 10 रख दीजिए, और गुना टाइम कितना 1 ईयर के लिए, परसेंट है तो इसके नीचे 100 आएगा, नीचे आएगा कि नहीं। प्लस y के लिए जरा देखते हैं इंटरेस्ट कितना निकलेगा, y इंटू रेट कितना है 8 और टाइम कितना है 1/100। 100 क्यों नीचे हो रहा है, रेट परसेंट के लिए 100 नीचे आता है। यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, x रुपये पर 10% का इंटरेस्ट और y रुपये पर 8% का इंटरेस्ट निकाले, वो कितना आता है, दोनों का सम कितना है 1350 रुपये है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1350, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, 10x प्लस 8y हो रहा है, और यहाँ पर 100 ले लीजिए कॉमन, 100 क्या ले ले, कॉमन ले लें, यहाँ पर, यहाँ पे कितना हो गया 1350, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं 10x प्लस 8y इजिकल टू 135, यहाँ पर 000 हो गया, क्यों, क्योंकि 100 यहाँ पे जाएगा तो सिंगल था और यहाँ पे 3 0 हो गए, ये क्या हो गया इक्वेशन, इसे आप फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने अमाउंट को इंटरचेंज किया, तो अमाउंट को जब इंटरचेंज करेंगे तो फिर वहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, अब क्या निकलेगा देखिए जरा सा, अब देखिए, अब हमारा क्या है, प्रिंसिपल है वाई, रेट इसके लिए है 10, टाइम तो 1 ही होगा, नीचे 100 रख देते हैं, प्लस फिर से प्रिंसिपल है x, रेट है 8, फिर 1 है टाइम, नीचे 100, ऐसा करने पर क्या होता है, इंटरेस्ट 45 रुपये कम मिलता है, यानी कि अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10y प्लस 8x बराबर इतना हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, 100 100 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 10y प्लस 8x बराबर हो गया 1305 00, क्यों 00 इधर आएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों डेटा आपको दिख रहा है, ये है क्या 10x प्लस 8y इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ 10y प्लस 8x इज इक्वल टू समथिंग, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब इन दोनों को क्या करना है सॉल्व, तो यहाँ तक आप पहले नोट कर लें, ठीक। तो हमारा यही इक्वेशन था दो, ठीक है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा। अब यहाँ पर देखिए ये 10y प्लस 8x, हम इसे क्या इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसको इरेज करते हैं 10y प्लस 8x को और लिखते हैं 8x प्लस 10y, एडिशन है जैसे मैं वैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पता है हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं, हम लोग चलिए x का ही बराबर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर चाहे या फिर y का भी बराबर कर सकते हैं, या फिर या तो x या तो y किसी का भी बराबर कर लिया, हम लोग क्या करते हैं y का बराबर करते हैं यहाँ पर 10 और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 10 है यहाँ तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, 8 है तो यहाँ 8 से। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, 10 जा 100x और 8 जा 80y बराबर 135 000 था ही, 10 और लग जाएगा। अब यहाँ से 64x प्लस 80y बराबर 1305 इंटू 8, आप गुना करिए होगा ना इतना, कोई दिक्कत, गुना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप इसे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कितना आएगा 36x होगा और ये कट जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 हो गया, फिर 6 फिर 0 फिर 3, इतना ही होगा ना। अब देखिए x बराबर क्या होगा, 306 000 है जो भी लिखा हुआ है, और नीचे 36, ऐसा आप काट के देखिए कितना में कटता है, ठीक। चलिए x बराबर कितना कट गया, 8500 आ गया ना, यानी कि पहला जो अमाउंट था हम लोगों ने कितना लगा था 8500, यानी कि 8500 में हमारा 10% लगा था। अब y निकालना है तो क्या करेंगे, ये 8500 को आप पहला या तो सेकंड कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर काम कर रहे हैं, हम लोग पहले पे पुट करके देखते हैं, 10x है प्लस 8y है बराबर 135 000 है। चलिए 10 × x का वैल्यू क्या है, 8500 है ना, तो 8y इक्वल टू क्या हो गया, 135 000 है यहाँ पर, 135 000। यहाँ पर ये हमारा देखिए गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 85 000 होगा ना यहाँ पर। अब इसे क्या करना है, उधर जाएगा तो माइनस ही होगा ना, तो माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तभी तो निकलेगा, क्या निकलेगा 8y निकलेगा, ठीक है। तो घटाते हैं 0 0 0 0 5, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 50,000 है ना यहाँ पर बटा 8, देखिए तो 48 हो रहा है, हाथ में 2 0 8 2 16 फिर 4 0 यानी 48, यानी कितना लग रहा है,
तो सेकेंड अमाउंट जो था 8% पे वहां पर लग रहा था 6,250 रुपए और जो पहला अमाउंट था वहां पर लग रहा था 8,500। ये कौन लग रहा था? एक इंसान है जो 10% पर 8,500 और 8% पर 6,250 रुपए लगा रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक इंसान ने चेयर और टेबल को बेचा है कितना 1520 में। तो चलिए चेयर हो गया और ये हो गया टेबल, ठीक है। अब देखिए 1520 में बेचा तो है, जहां पर क्या 25% प्रॉफिट कमाता है चेयर पे और 10% प्रॉफिट कमाता है टेबल पे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर वो 10% प्रॉफिट कमाता है चेयर पे और 25% कमाता प्रॉफिट टेबल पे, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा है ना चेयर पे कितना 25% और टेबल पे कितना 10%, तब उसे कितने का प्रॉफिट होता? 1535 का। यानी क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट इंटरचेंज कर गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए मेरा जो बिल्कुल एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा क्या है, आप क्या मान लीजिए सीपी ऑफ चेयर मान लीजिए बी 100x मान लीजिए। क्या मान लीजिए 100x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर से बहुत आसानी होगा, अगर हम कॉस्ट प्राइस 100x है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 25% पर 125x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल लिख दें, टेबल का मान लेते हैं हम लोग 100y, ठीक है। तो यहाँ पर 100y है तो इसका टेबल का सेलिंग प्राइस क्या होगा 110y, क्योंकि 10% है तो 100y का 10% क्या होगा 10 होगा ना 10y, इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 110y। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, चेयर को 25% पर बेचिए तो कितना होगा 125x होगा, 100x में 25% जोड़िए तो कितना 125x, और कुर्सी पर टेबल पर कितना 10% यानी 110y बराबर कितना कमा रहा है 1520। अब यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कुछ शॉर्टेज भी हो रहा है, पास से शॉर्टेज करिए, कितना होगा 25x प्लस 22y बराबर होगा, इससे पास से काटिए, कट रहा है 304 हो गया, 5 3 15 और 0 लगाएंगे और 5 6 20 304 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड की ओर बढ़ते जरा, सेकंड में क्या बोला कि 10% शेयर। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस कितना 100x, 10% इस पर एक्स्ट्रा दीजिए, 100x में 10% एक्स्ट्रा देंगे तो कितना होगा 110x प्लस टेबल 100y से 25% प्रॉफिट बेचेंगे तो 100y में 25% ऐड करिए तो कितना होगा 125y। अब कितना में मिल रहा है 1535, यहाँ भी देखिए पास से कट रहा होगा सब, तो ये कितना होगा 22x और ये कितना हो जाएगा 25y। अब इसे काटेंगे तो 5 3 15 और 7 5 35 आ रहा है कि नहीं। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए थोड़ा सा दोनों ही क्वेश्चन को हम एक बार क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते, एक बार क्या करते हैं ऐड करते हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण है, आप थोड़ा सा समझिए, जब जब कोएफिशिएंट क्या हो इंटरचेंज करें, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी हम ये मेथड लगा सकते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 25 है तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 25 है, यहाँ y का 22 है कोएफिशिएंट तो यहाँ x का 22 है, तो ऐसे केस में एक बार ऐड करिए एक बार सब्ट्रैक्ट करिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ऐड करके देखते हैं, तो 25x प्लस 22x कितना हो गया 47x, फिर से 22y प्लस 25y ये दोनों को हम क्या कर रहे हैं ऐड करके दिखा रहे हैं तो 47y बराबर, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा 611 हो जाएंगे, कितना होगा 611। अब 47 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई 47 कॉमन ले लिया हम लोगों ने 611, तो 47 देखिए कट जाएगा यहाँ पर। हम लोग क्या करते हैं रफली काट के देखते हैं, ठीक है, कितने बार कट गया 13 बार में कट गया, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 13। इक्वेशन सेकंड मान लें इसको। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर तो एक बार पहली बार ऐड किया तो ये आ गया, अब इन दोनों इक्वेशन के ऊपर क्या करिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए, क्या सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं जरा, 25x में 22x जाएगा तो कितना होगा 3x, फिर से 25x में 22x गया तो 3x, 22y में से 25y गया तो कितना हो गया -3y, और 304 में 307 गया तो -3, यानी यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन ले 3 कॉमन ले तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर -1 होगा। अब -1 कैसे, तो देखिए -3 है डिवाइड है नीचे आएगा डिवाइड में क्या होगा -1 होगा ना, तो x माइनस वाई क्या है -1 है और x प्लस वाई क्या है x प्लस वाई है हमारा 13, ठीक है। अब इसे ऐड करिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x, ये तो पूरा कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया ना, x का वैल्यू 6। अब यहाँ से y भी निकाल दीजिए, हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू सिमिलरली इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर -1 था, x का वैल्यू 6 पुट किए ये -1, तो यहाँ पर से माइनस इधर आएगा प्लस में y इधर, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 7 और x का वैल्यू 6। लेकिन क्या ये आंसर यहाँ पर नहीं है, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस क्या माना चेयर का 100x है ना, तो चलिए 100 इंटू x का वैल्यू कितना हो गया 6, यानी
चेयर का दाम है 600 और टेबल का दाम 100 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 7 यानी टेबल का दाम है 700। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 8 मीटर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, एरिया जो 8 से घट जा रहा है। कब घट रहा है, लेंथ को पास घटाते हैं और चौड़ाई को 3 से बढ़ाते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, लेंथ को एल मान लें, एल में पास घटा दें और चौड़ाई को जो बी मान रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो हमारा है। लेंथ में 5 घटा दी, ब्रेथ में 3 बढ़ा दिए। ऐसा करने पर क्या होता है कि जो एरिया 8 से घट जाता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओरिजिनल एरिया क्या होता है, अगर ओरिजिनल एरिया निकालना चाहे तो लेंथ हमारा एल था और चौड़ाई बी था, यही मेरा ओरिजिनल एरिया होगा ना। अब ओरिजिनल एरिया में कितना घट गया, 8 से घट गया है। अब इसे हम इसे जरा सॉल्व करते हैं, तो एल इंटू बी क्या होगा, एल बी, फिर 3L माइनस 5B और माइनस 15 होगा ना, यहाँ LB माइनस 8 हो गया। LB LB कटेगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3L माइनस 5B और माइनस 8 और इधर जाएगा ये 15 प्लस में, तो कितना हो गया, यहाँ पर घटा के देखिए तो 7 हो गया ना, तो 3L माइनस 5B बराबर 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा आगे पढ़ते हैं, अगर लेंथ में 3 बढ़ा देते हैं, चलिए हम लोग भी लेंथ में 3 बढ़ाते हैं, चौड़ाई में बोला 2 बढ़ाने के लिए, चलिए चौड़ाई में भी 2 बढ़ा दिया। ऐसा करने पर एरिया जो 74 से बढ़ता है। अच्छा, ओरिजिनल एरिया क्या था, ओरिजिनल एरिया एल बी ही ना था, एल इंटू बी, इसमें कितना बढ़ गया, 74। अब इसे भी सॉल्व करते हैं, तो एल इंटू बी एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 3 2 6 बराबर कितना हो गया, एल बी प्लस 74। फिर से एल बी कटेगा तो कितना हो गया, 2L प्लस 3B बराबर 6 उधर जाएगा, तो 6 नेगेटिव में जाएगा, तो 74 में से 6 गया तो कितना बचा, 68। कोई दिक्कत है, ब्रैकेट में देख लीजिए 74 माइनस 6 किया गया है, ठीक है ना, उसी को लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, 68 लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशन निकल गया हमारा, पहला क्या है, 3L माइनस 5B बराबर 7, ठीक है पहला है ये, दूसरा क्या है, 2L प्लस 3B बराबर 68। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो हम लोग एल का ही करते हैं, एल का करने चलेंगे, तो यहाँ 2 से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 3 2 6 और यहाँ भी 2 3 6, तो 6L माइनस 10B बराबर 14, नीचे हो गया 6L प्लस 9B बराबर 204 होंगे ना। अब देखिए माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9 माइनस 10 माइनस 19 भी लिख दे। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा 204 में से 14 जाएगा तो कितना होगा, हम लोग घटाते हैं तो कितना होगा, 190 हो गए, वो भी क्या नेगेटिव, तो ये कटेगा, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 190 बाई 19 यानी कितना हो गया, 10, तो चौड़ाई कितना है, 10 है। अच्छा चौड़ाई 10 है तो हमें क्या निकालना, लेंथ भी निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट या तो सेकंड कहीं भी पुट करेंगे बन जाएगा, हम लोग करते हैं जरा फर्स्ट में पुट करके देखते हैं क्या है, 3L माइनस 5B बराबर क्या है, 7 है। ठीक है, तो 3L माइनस 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है, 10 बराबर 7 है, तो 3L बराबर 7 लिख दें। अब ये माइनस 50 है तो उधर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, 50 जाएगा ना, तो कितना हो गया, 57, और यहाँ क्या है, 3L है ना, तो L का वैल्यू 57/3, देखिए L कट रहा है 19 बार में, 57 कट रहा है 19 बार में 3 से, तो लेंथ कितना है, 19 और चौड़ाई कितना है, 10, तो हमारा निकल गया लेंथ एंड ब्रेथ। गुड, एंड द लास्ट क्वेश्चन, हेयर वी हैव ट्वाइस द एज ऑफ सन। अब सुनिए पहली बात, इस क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, हम सन का एज मान लें, सन का एज क्या मान लेते बताइए, एक्स मान लेते हैं, चलिए फादर का एज भी मान लेते हैं, आगे फादर का भी जिक्र किया गया, तो फादर का एज हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई। क्या बोला, सन का एज का दुगना करें और फादर के एज में ऐड करें तो आता है 70। चलिए सन का एज का दुगना करिए तो 2x और फादर का एज वाई है तो आता है कितना, 70 आ गया ना सम। अब क्या बोला आगे, अगर हम फादर के एज का ट्वाइस करें और सन के एज में जोड़े तो आता है 95। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। क्या बोला, सन के फादर के एज में दुगना करें, चलिए फादर के एज में क्या कर रहे हैं, दुगना दुगना कर दिए और सन का एज को वही रहने देते हैं, एक्स का एक्स ही रहने देते हैं। ऐसा करने पर कितना आता है, सम 95। कोई दिक्कत है क्या, फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, सन का एज का दुगना एक्स मान ली तो 2x और फादर का एज जो वाई है उसमें ऐड करते तो 70। लेकिन अगर हम लोग फादर के एज में दुगना करें और सन के एज के साथ ऐड करें तो आता है 95। तो हो गया क्वेश्चन सेकंड।
आपको थोड़ा देर पहले मैंने भी बताया था, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन में, कि जब कॉफिशियंट इंटरचेंज हो, यहाँ x का कॉफिशियंट 2, यहाँ y का कॉफिशियंट 2, यहाँ y का 1, यहाँ x का 1, ऐसा हो तो एक बार प्लस करे एक बार माइनस करे, आराम से बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लस करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3x, यहाँ से क्या हो गया 3y, और यहाँ से हो गया 5, 16, हो गया ना। तो x ले ले, यहाँ पर 3 ले ले कॉमन, तो हो गया 165। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, काटिए 165 को काट दीजिए 3 से, कितना होगा, 5 × 15, फिर 5 × 15, यानी कि दोनों के एजों का सम कितना है, 55 है। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, अभी हम लोगों ने ऐड किया, अब हम लोग इसे क्या करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। चलिए मन में ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x में से x गया तो कितना होगा, x होगा, फिर से जरा देखिए, 2x में से x गया तो कितना होगा, x, और y में से 2y गया तो क्या होगा, -y। फिर से y में से 2y गया, हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एक बार जोड़े एक बार घटाएंगे, तो 2x में से x गया तो x, और y में से 2y गया तो -y। अब 70 में 95 जाएगा तो क्या होगा, -25 होगा ना, नेगेटिव होना जरूरी है क्योंकि ये बड़ा टर्म है और यहाँ नेगेटिव का साइन है, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो देखिए, माइनस यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस, ये भी माइनस होगा। तो 2x में से x गया तो x, और y में से -2y गया तो -y, क्योंकि ये बड़ा था नेगेटिव रह गया, और 70 में से 95 गया तो नेगेटिव है, तो बड़ा पावर बड़ा साइन माइनस का। अब देखिए x प्लस y हमारा कितना आया था, 55 आया था, अब आराम से बन गया ना ये क्वेश्चन को, क्या कर दीजिए, ऐड x प्लस x 2x, और y y कट गया, इधर इधर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। यानी देखिए 2 से कटेगा 30 15 बार में, यानी ये जो बेटा था, जो सन था, उसका एज कितना हो गया, 15। अब हमें पिता का एज निकालना है, फादर का एज, तो क्या करेंगे, या तो इसमें पुट कर दीजिए। चलिए x प्लस y में पुट करते हैं, x प्लस y बराबर कितना है, 55, x का वैल्यू 15, y बराबर 55, y निकालना है तो 55 लिख दिए। अब 15 क्या जाएगा उधर, नेगेटिव, तो कितना होगा, 55 में से 15 गया तो 40, यानी बाप का एज 40 और बेटा का एज 15। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, तो कैसा लगा क्लास, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तो जरूर ही जाएं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा इस पे, और इस पे और भी ज़्यादा हॉट क्वेश्चन में लाने वाला हूं मिशलेनियस। तो आज के लिए धन्यवाद।